ताकत मिलती है बूथ पर। आप बूथ पर मजबूत रहेंगे तो आपके नेता नीतीश बाबू मजबूत रहेंगे, आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा मजबूत रहेंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू मजबूत रहेंगे। आई सब लोग मजबूत रहेंगे तो सबसे मजबूत कौन रहेगा जी? सबसे मजबूत रहेगा हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो साथी आप लोग हैं, तभी ना मनोबल आपका बढ़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने जहां भी जिस पद पर हैं, कोई मेन पार्टी में है, कोई हमारे 33 प्रकोष्ठ हैं उसमें है, और सबने बहुत शानदार काम किया है। जितने हमारे मेन पार्टी के साथी हैं उन लोगों ने भी अच्छा काम किया है, हमारा है, वो भी काफी काम किया। लेकिन जरूरत क्या है कि सब लोग आपस में जरा बढ़िया सा संपर्क में रहिए, बढ़िया सा समन्वय रखिए और आपस में संवाद भी करते रहिए। आप अगर बूथ स्तर पर जितने भी हमारे पार्टी के साथी हैं उनसे आपका संबंध रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ताकतवर हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको बिल्कुल गांठ बांधे रहिएगा। तरह तरह के लोग तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं, लगाते रहता है ना, रोज कुछ ना कुछ सगुफा छोड़ते रहता है। देखिए, दो बात पर हम लोगों का बिल्कुल निर्णय स्पष्ट है। सब कार्यकर्ता अपने मन में बिल्कुल मजबूती से उसको रखें। पहला क्या है कि बिहार में एनडीए गठबंधन है और हमारे नेता एनडीए के नीतीश बाबू हैं। कोई कंफ्यूजन है जी? और हमारे नेता को मुख्यमंत्री का दायित्व कब तक के लिए दिया गया है? 2025 तक के लिए। तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, करते रहता है ना विपक्ष का लोग को, तो दिन भर ख्याली पुलाव बनाए रहता है कि अब हुआ कि कब हुआ, उनका कभी जो है सपना पूरा होने वाला नहीं। यहां एनडीए का गठबंधन मजबूत है और नेता के नेतृत्व में, हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो बिहार में काम हो रहा है आप देखते हैं ना। एक प्रदेश का नाम बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, जो हमारा वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना है सबको मिलता है किसी देश में? ये मात्र हमारे नेता नीतीश बाबू हैं, जहां न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई आवाज, जो उसका इनकम कुछ नहीं है, सबको 60 साल वाले के ऊपर दे दिया। उनका क्या है? न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, सबका विकास की बात करते हैं, किसी को छोड़कर नहीं चलते हैं। अभी 15 अगस्त को आपने सुना ना क्या क्या घोषणा किया है, जो हमारे बच्चे किसी भी समाज के हैं, बीपीएससी में क्वालिफाई करते हैं सबको 50,000 रुपये मिलेगा, यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं 1,00,000 मिलेगा। कोई भेदभाव करते हैं? हमारे नेता कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इस 7 निश्चय का कार्यक्रम है ना जी, कोई भेदभाव है इसमें? कोई भेदभाव नहीं। तो हमारे नेता की सोच क्या है कि बिहार हमारा सशक्त प्रदेश बने, और उनका पूरा का पूरा जो न्याय के साथ विकास में क्या है कि भाई जितना भी तबके हैं सबका उत्थान होना चाहिए, जितना भी क्षेत्र है वो सबका विकास होना चाहिए। तो हमारे नेता बार बार इसको कहते रहते, और केंद्र में भी देखिए सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब उन्होंने किया सबका प्रयास, अभी 15 अगस्त को कहा है। आप देखिए जरा, जो किसान सम्मान निधि योजना है, कोई भेदभाव है जी? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जितने तरह के किसान, जितने भी हमारे किसान हैं सबको मिलता है।
तो देखिए धीरे धीरे समय ऐसा आ जा रहा है जहां समाज में आपको देखना है कि सामाजिक सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, समाज का ताना बाना बना रहे। और बिहार में आपने देखा है हमारे नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में आज 16वें वर्ष में काम चल रहा है, कहीं भी जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव हुआ है कहीं? कहीं नहीं। और तभी जो है हमारे नेता ने विकास का काम किया। तो साथियों, आप लोग कभी भी मन में कि फलना बाबू का स्टेटमेंट आ गया है तो आप लोगों का दिल धुक धुक करने लगता है, एक धुक धुक आइएगा मत, समझे ना। लोकतंत्र में सब चीज चलते रहता है, लेकिन हम लोग राजनीति किस बात के लिए करते हैं? सब हम लोग लोहिया जी के शिष्य है ना। लोहिया जी कहते थे कि राजनीति करो सत्ता प्राप्त करने के लिए, कि जब सत्ता प्राप्त करोगे तब तुमने जो समाज के उत्थान की बात सोची है उसको जमीन पर लागू कर पाओगे। विपक्ष में रहकर क्या करिए, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग जरा एक गांठ बांध लीजिए कि 2025 तक बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार काम करेगी। आप लोग सब ताली नहीं बजाए जी का है? अरे आपके नेता इस प्रकार से काम करते हैं। आज भी देखिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? काहे चलाते हैं? कि भाई जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को, जो हमारे लोग हैं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं? अगर वो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? जनता से दूर हो जाएंगे। और जब भी कोई राजनेता जनता से दूर होता है तो क्या हो जाता है? कटी पतंग हो जाता है। तो हमारे नेता जमीनी नेता रहे हैं और आज भी जमीन पर ही वो रहते हैं और आज भी जमीन पर सोच करके काम करते हैं। तभी तो बिल्कुल पक्का है ना। अब आप लोग हदसिएगा नहीं ना कि फलना बाबू का बयान आ गया। बहुत लोग तरह तरह से अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं, सबको लगता है कि हम अनएम्प्लॉयड है तो सब लोग अनएम्प्लॉयड रहे। अरे आपके नेता नीतीश बाबू बिहार में क्या चाहते हैं? कि बिहार का जो है इस प्रकार विकास हो जिससे कि हम पूरे देश में कह सकें कि हमारा बिहार विकसित प्रदेश है। आप दूसरे प्रदेश में चल जाइए, मैं बता दूंगा आपको, दिल्ली है ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री का रोज बड़ा बड़ा भाषण सुनते होंगे ना। मैं सुन रहा था राज्यसभा में क्या कह रहा था उसका नेता एक, कि सर हमारे यहां कोरोना से किसी की डेथ होती है तो 50,000 रुपया सरकार देती है। हम कह रहे श्रीमान, कोरोना से किसी का डेथ होना अच्छी बात नहीं है, हम सब लोगों के लिए दुखद है, लेकिन हमारे नेता नीतीश बाबू 50,000 नहीं 4 लाख रुपया देते हैं। 4 लाख रुपया और 50,000 में बिल्कुल सीना तान रहा है। बहुत सारे प्रदेशों में जाइएगा तो आपके नेता ने जो काम किया है ना, जब आप बाहर जाइएगा तो पता लगेगा। यहां तो आपको लगेगा कि भाई अरे ये विपक्ष वाला जो कह रहा सही है कह रहा है, तो जरा इस पर ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है चूंकि आप संगठन के आदमी हैं कि हमारा कैसे बूथ स्तर सबसे मजबूत रहे। और साथियों, इतने साथी सब लोग आए हुए हैं, सबके गाड़ी में बोर्ड लगा हुआ है ना कि नहीं है? लगा हुआ है उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, ब्रैकेट में कुछ छोटा सा लिखे रहता है, ठीक बात है। लेकिन यही बोर्ड कहां लगना चाहिए श्रीमान जी? कहां लगना चाहिए? तो कितने लोग अपने घर पर बोर्ड लगाए, हाथ उठाइए जरा। हम अभी जाएंगे, सबका चेकिंग हो जाएगा। और मजिस्ट्रेट चेकिंग में जो पकड़ाए तो उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे ऐसा जुर्माना करिए कि सबके घर में लगाना पड़े उसको बोर्ड। बड़ा बढ़िया झंडा हिला रहे हैं आप, घरवा में झंडा लगाए हैं कि नहीं? हाँ। देखिए क्यों,
आप जब झंडा लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं भाई देखिए नीतीश बाबू का सिपाही है। नीतीश बाबू जिस सोच के हैं उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। तो जमीन पर जब ताकत आपकी रहेगी ना तो आज किसकी पूजा होती है? अरे किसकी पूजा होती है? अरे किसकी पूजा होती है? एक पूजा होती है ज्ञान की और दूसरी पूजा होती है शक्ति की, होती है कि नहीं? कमें ताली बजाए। वो देखते हैं हमारे को प्रधान जी आए हुए हैं वहां से दरभंगा से, वो सुतल है माला लेके। अरे कम से कम ज्ञान के नाम पर तो तलिया बजाइए। अरे अब वकील है तब ना हमारा वर्करबन सब जाता है आपके पास जी, आप फीसवा आप ज्यादा ही ले लेते हैं। देखिए ज्ञान की दुनिया है लेकिन साथ साथ शक्ति की भी दुनिया है। और कलयुग में क्या है? संघे शक्ति, और संघ कहां है? गांव। तो करिएगा ना। और मैंने कहा था ये मत समझ लीजिएगा कि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं तो मैं अब दौरा ही नहीं करूंगा। जी नहीं, ये गलतफहमी मत पालिएगा। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि मैं जिला मुख्यालय में तो कम जाऊंगा, मुझे लेकर के चलिए बूथ पर। और बूथ के साथी के यहां ही भोजन हुआ करेगा, समझे? आज जिला वाला जिसका पैसा ज्यादा उछल रहा होगा पॉकेट में, वो कहेंगे जिला में जमा कराओ। खाना खाने चलना है तो चलिए बूथ पर। काहे ताली नहीं बजा रहे आप लोग? शहर वाले हैं क्या सर? तो हम लोग सब लोग कार्यक्रम करेंगे। हमारे पास जो भी मंत्रालय का काम है आप जानते हैं, अरे हम लोग तो ये सब काम करते ही रहे, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? तो हम तो काम करेंगे वहां भी और काम करेंगे यहां भी, और काम करेंगे अपने पार्टी का दूसरे प्रदेश में भी। आप बताइए, बहुत लोग हमको फोन करता है सर अपने जी हल्थी ना सर, हम कि थे मतलब? अरे अभी भी है यार, तू काहे थे बोल रहे हो? अरे हम हैं और तरह तरह की लोग बात बोले। तो साथी सो जरा जान लीजिए, नेता हमारे एक है नीतीश बाबू। अच्छा हमारे ललन जी में कोई फर्क है जी, जरा बता दीजिए। और ललन जी से हमारा आज का संबंध है। तो बहुत लोग कहेगा कि सर ये है तो वो है, अरे ऐ है वो है, क्या है? सब मिलकर के ललन जी को मिलकर के, हमको मिलकर के, वशिष्ठ बाबू को मिलकर के, सबको मिलकर के पार्टी काम करना है। देखिए सब लोगों को मैंने क्या कहा था पिछले एड्रेस में, याद करिएगा आप लोग, याद है मैंने क्या कहा था कि आप लोग क्या बनिएगा? याद है किसी को? अरे कुछ और कहे थे पिछला मीटिंग में, याद करिए। हमने कहा था कि जितने पदाधिकारी बने हैं वो श्रीमान जी और श्रीमती जी और सुश्री जी, कोई गणेश जी से प्रभावित मत होइएगा, क्योंकि गणेश भगवान को राज तिलक क्यों मिल गया? क्योंकि माता पिता का परिक्रमा कर ली। तो आप भी सोचिएगा कि हमको तो आरसीपी बाबू जानते हैं तो कहीं जाने की क्या जरूरत है, इन्हीं का सवेरे शाम, तो ना मैं सवेरे मिलूंगा ना शाम मिलूंगा। आपको कार्तिकेय जी होना है, मैंने कहा था। कार्तिकेय जी क्या किए? वो पूरा घूमने चले गए। तो भाई आप नेता हो पार्टी, पटना कभी कभार आया करिए, यहां कौन काम है जी? अरे नेता आपको सब पहचानते हैं। अगर वहां जाइएगा क्षेत्र में जाइएगा तो पार्टी का काम होगा तो नेता को भी अच्छा लगेगा, नहीं तो रोज आइएगा कहेगा तो सर क्या बात है, पार्टी इतनी मजबूत हो रही है सर आपके चलते, मत पूछिए, आ कभी गया है नहीं। और एक बात और साथियों, एक बात हमने और कही थी,
कि देखिए संगठन है और तभी पार्टी भी है, और अगर संगठन रहेगा तो क्या पार्टी रहेगी जी? हम लोग कोई परिवार वाली तो पार्टी है नहीं, तो संगठन है तो पार्टी है, पार्टी है तो आप कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, विधायक भी हैं, एमपी भी हैं, हम मंत्री भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। लेकिन अगर संगठन नहीं रहेगा तो किसी का आता पता रहेगा जी? और संगठन कब जीवंत रहेगा? जब आप जमीन पर जाया करिएगा, और जमीन पर तभी जाइएगा जब आपके मन में हो जाएगा कि गणेश जी की तरह सिर्फ घूमते नहीं रहना है, कि अभी 9 बजे मिले आरसीपी सिंह से, 10 बजे मिले फलना बाबू से, 11 बजे मिले फलना बाबू से, ये तो एक आध बार पटना में आए तो हुआ नहीं, पता चला कि रोज यही चल रहा है, इसे बचना है।